फ्रेंड कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ पोको का F5 और दूसरी तरफ वन प्लस का 10R, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो पोको के F5 को 29,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R को 34,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 5,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 5,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके वन प्लस के 10R को लेना सही रहेगा या फिर 5,000 रुपीज कम खर्च करके पोको के F5 को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। पूरे स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो वन प्लस के 10R का प्राइस 5,000 रुपीज ज्यादा, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस के मामले पोको के F5 से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि पोको के F5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको के F5 में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है पोको का F5, क्योंकि पोको के F5 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 9,69,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 8 लाख के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको के F5 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7,500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7,100 के आसपास का निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो पोको के F5 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में 6.7 इंच की फ्लूड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पोको के F5 का प्राइस 5,000 रुपीज कम है, फिर भी आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वन प्लस के 10R में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में पोको के F5 के कैमरे से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि वन प्लस के 10R के कैमरे में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को बैक का कैमरा काफी ज्यादा बेस्ट वन प्लस के 10R में देखने को मिल जाता है। पूरे स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो पोको के F5 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वन प्लस के 10R को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो वन प्लस के 10R में एक माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वन प्लस के 10R में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि पोको के F5 में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो पोको के F5 में 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 67W के टर्बो चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के 10R में भी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 80W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो वन प्लस के 10R में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ पोको के F5 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। पोको का F5 का प्राइस 5,000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस के मामले में तो वन
OnePlus के 10R से बेटर हो जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में लगभग एक जैसी देखने को मिल जाती है। रियल लाइफ में इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कैमरे के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है OnePlus का 10R, वहीं दूसरी तरफ पोको के F5 में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो दूसरी तरफ OnePlus के 10R में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर अगर मैं कहूं तो आप लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं अपने अपने प्राइस में। तो अगर आप लोग भी 30,000 rupees का प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को पोको के F5 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट ज्यादा है और आप लोग एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को OnePlus के 10R की तरफ जाना चाहिए।